हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके UPTET जो अभी आपका 2019 को लेकर के जब आप बात करते हो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि नोटिफिकेशन की जब आप बात करते हो तो नोटिफिकेशन कब आने वाला है। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आज अभी सुबह 9 बजे संडे, मैं 6 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 AM, उसके बाद 11 AM यानी कि 11 बजे और शाम को 7 बजे 7 PM तीन क्लासेस आपकी फ्री की होने वाली हैं, एक एक घंटे की MCQs की UPTET सीटेट के लिए अन अकेडमी पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी, सीधे डायरेक्ट जाकर के एनरोल करवा सकते हैं। फ्री में क्लासेस होनी है आपकी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ टेलीग्राम पर भी मैं लिंक दे दिया हूँ, अभी फिर से मैं एक बार दे दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जा कर के वहाँ से एनरोलमेंट्स करवा के फ्री में एक क्लास ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर UPTET को लेकर के, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों का इंतज़ार अब जल्द खत्म होगा। आपको मैं बता दूँ, PNP के जो प्राधिकारी हैं उनकी तरफ से ये चीज़ बताई गई है कि आपका जो आवेदन है वो शुरू हो जाएगा, या आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी दशहरे के बाद किसी भी समय। आप लोगों को पता है, अगर पता ना हो तो ये जान लीजिए कि जब आप बात करते हो UPTET को लेकर के, तो आपका PNP के द्वारा पूरी तरीके से ये आयोजित किया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर अभी तक जो परीक्षा थी अक्टूबर में, तो परीक्षा कराने की बात की गई थी, फिलहाल अभी तक नोटिफिकेशन भी इश्यू नहीं किया गया है, जारी नहीं किया गया है। आप कह सकते हो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आगे लिखा हुआ है, इसके लिए शासन के पास प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। सचिव ने बताया कि दशहरे के अवकाश के बाद किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। बताया कि UPTET के लिए आवेदन जो है अक्टूबर नवंबर में लिए जाएंगे, जबकि जो परीक्षा है वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में संभावित है। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कहने का मतलब ये है, तीसरे सप्ताह ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी अक्टूबर में आवेदन लेंगे आपका, ये मिड पूरी तरीके से इतना मान के चलिए कि आपका नवंबर में जाएगा दिसंबर। दूसरी चीज़, जो परीक्षा है वो आपकी दिसंबर लास्ट या जनवरी में जा सकती है पूरी तरीके से, क्योंकि परीक्षा जो है तीसरे सप्ताह में संभावित बोला है इन्होंने अभी। ओके, बता दें कि UPTET शुरू करते समय सरकार की ओर से यह कहा गया था कि CTET की तर्ज पर वर्ष में 2 बार परीक्षा कराई जाए, लेकिन अभी तो यहाँ TET जो है या PNP को लेकर के अगर बात करते हो तो वो एक ही परीक्षा का नोटिफिकेशन इश्यू नहीं कर सकी है। तो ऐसे में दो वाली बात तो आप भूल ही जाओ फिलहाल। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नीचे क्या कुछ चीज़ें हैं, तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहें। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा भाई कि लिंक ओपन होते ही आप लोग फॉर्म भरना बहुत तेज़ी से शुरू कर दीजिएगा। PNP की वेबसाइट है, छात्र जितने भी हैं अभी प्रशिक्षु छात्रवृत्ति वाले वेबसाइट से जूझ रहे हैं, और PNP में जब आप बात करते हो TET को लेकर के, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग इसके लिए कमर कस लें पूरी तरीके से कि आपका काफ़ी भी नोटिफिकेशन इशू हो सकता है, जारी हो सकता है, और आपको पूरी तरीके से फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। हम जल्दी ही मिलते हैं। और एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, 3rd और 4th सेमेस्टर की PDF फाइल्स अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी एंड्रॉयड ऐप का लिंक, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अपना अकाउंट बनाने के बाद, साइन अप करने के बाद, लिंक को जीमेल से अपने या जो भी आपकी मेल आईडी एक्टिवेट करने के बाद आप लॉगिन करके वहाँ से PDF को पढ़ सकते हो। हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।